अपनी संस्था के लिए कोई कार्य न करे, हमारी संस्था जिनके लिए उनके लिए कोई एक तरह से पराई है, ये हमारी अपनी है, हमारा जीपीएफ, हमारा पेंशन, हमारे जो हमारी सैलरी है सब यहीं से मिलती है, और ये जितने भी आउटसोर्स लोग हैं जो पैरासाइट्स हैं इस विभाग के लिए, उनका इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान मतलब तो गत्वा हमारा ही हो रहा है। हम ऐसा कार्य करने के लिए इनके द्वारा मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। उसकी वजह ये है कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि हम उस स्तर पर पहुंचे। मैं रंजीत चौधरी संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक हूं। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 48 घंटे का हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है। ये हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है, इसमें हमने न बिजली में कोई बाधा की और उसमें सहयोग ही किया कि अगर कहीं कोई वैसी स्थिति है, लेकिन 14 तारीख हमारा जो लखनऊ में रैली थी वो बीत गई। वो बहुत बड़ा आंदोलन हमारा था, वहाँ भी उनको जगाने का शक्ति भवन का परिक्रमा किया, ये बताया गया कि अभी चेत जाओ, फिर 48 घंटे हम लोग पहुँचे, अभी भी हम लोग उनको मनाने के प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो सीपीएफ और जीपीएफ का पैसा है 2269 करोड़ रुपया, उसकी सरकार गारंटी ले ले, क्योंकि ये बहुत निरीह प्राणियों का है। इसमें लाइन कुली से लेके ऊपर तक सबका पैसा फंसा हुआ है, कुली चपरासी बाबू सबका पैसा इसमें फंसा हुआ है, इसकी सरकार गारंटी ले ले और ये शोर करे लेटर ऑफ गजट नोटिफिकेशन से कि इसकी हम गारंटी लेते हैं ताकि हम अपना आंदोलन वापस करें, अन्यथा अगर ये हमारा द्वितीय चरण जो इस समय चल रहा है 48 घंटे का ये बीत जाने के बाद फिर बहुत विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। अभी तो हम लोग ये प्रयासरत हैं कि सरकार ले लेगी, सरकार इसकी गारंटी ले लेगी, क्योंकि 2269 करोड़ रुपया है, ना हमसे पूछ के निवेश किया गया, सरकार के लोगों ने ही निवेश किया है, और इसमें पूरी तरह सरकार को जिम्मेदारी लेके सामने आके जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों आनाकानी कर रही है, ये समझ से परे है। अब आगे यही लगता है कि हमें तृतीय चरण में जाना पड़ेगा और तृतीय चरण बहुत खतरनाक होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, और उसमें सरकार से यही पुनः अनुरोध है कि इसको तत्काल 2269 करोड़ की गारंटी लेके हम लोगों को काम पे वापस भेज दें।